ये लो मूंगफली खाओ प्रीत की मम्मी गरम गरम बनवा कर लाई थी, मीठी मीठी है एकदम। मीठी तो है काफी, और सर्दियों में तो मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। मेरी भी कल ही खत्म हुई है, आज जाऊंगी ना शाम में तो लेकर आऊंगी। अब जाके कहीं थोड़ी ठीक ठाक सी धूप निकली है, मैंने भी आज ही लगा दी मशीन कपड़ों वाली, बस कमर टूट गई आज तो। एक हफ्ते के कपड़े पड़े थे, बच्चों का क्या है वो तो पहन पहन के डाल देते हैं, आफत हमारी आनी होती है। हाँ हाँ, और वैसे भी सर्दियों में तो एक कपड़े दो तीन दिन चल ही जाते हैं ना, इतने गंदे हो रहे, ऊपर से इतने मोटे मोटे, इतना टाइम लेते हैं सूखने में, और बिना ड्रायर के ना तो नहीं सूखेंगे। आप क्यों घुस रही हो गाजर, भाई साहब से घिसवाते? हाँ, कहाँ सुनते हैं वो, ना वो सुनते ना उनके बच्चे। अब जो करना है ना मुझे ही करना है, उनका क्या है, उनकी तो फरमाइशें चलती रहती हैं। और वैसे भी टाइम कहाँ है इनके पास, सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, फिर वही आते हैं शाम में 5-6 बजे, फिर मैं सोचती हूँ क्या ही बोलूँ इनको, वैसे ही थके हारे आए हैं। मैं तो सब कर लूँ बस गाजर नहीं घिसी जाती मुझसे, अब कंधों में भी तो दर्द रहता है, हाथ दुख जाते हैं, अब कम से कम 5-6 किलो गाजर तो घिसनी होती है गाजर के हलवे के लिए, मुझसे तो नहीं घिसी जाती, मैं तो इनसे ही घिसवाती हूँ। किलो गाजर का हलवा खाना है ना तो गाजर घिस के दो मुझे, अब 5-6 घंटे तो बनाने में ही लग जाते हैं। हाँ देख लो, बनाने की मेहनत 5-6 घंटे की है और खत्म होने में 2 मिनट नहीं लगते, भरा हुआ कुकर 2 दिन में खत्म हो जाता है। मम्मी मुझे भूख लग रही है, गाजर का हलवा नहीं मिल रहा। ये देखो भूख लग रही है तो खाना नहीं चाहिए, गाजर का हलवा जो बन गया घर में। चल यूनिफॉर्म चेंज कर, मैं खाना लगाती हूँ, हलवा खत्म हो गया। खत्म हो गया, अब कल ही तो बनाया था आपने, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। वैसे बना बड़ा स्वाद था, इसके पापा भी उंगलियां चाटते रह गए थे, कम ही बनाया था क्या आपने? ना बनाया तो काफी था, थोड़ा आपके घर पहुंचा दिया, थोड़ा जो हमारे नीचे वाले आंटी अंकल है उनके घर पहुंचा दिया, मैं क्या चलो बहू बेटे तो रहते नहीं है उनके, मैं ही पहुंचा दूँ, और थोड़ा बहुत वो हमारी काम करने वाली है सुशीला उसको दे दिया, मैं क्या चलो उसके बच्चे भी खा लेंगे। हाँ यही होता है, अब ये देखो हाथ पर कैसे रूखे सूखे से हो गए हैं। हाँ तो गोले का तेल लगाया करो ना, सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट है, रूखे सूखे तो हो ही जाते हैं आजकल। तो देखो रखा हुआ है, मैं क्या जब तक गाजर छील लूंगी तब तक पिघल जाएगा, फिर लगा लूंगी हाथों पैरों पे। ठंड तो काफी हो रही है, पता नहीं बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कब पड़ेंगी, परेशान हो जाते हैं वो भी सुबह सुबह उठ के जाने में स्कूल। हाँ बस रहने दो आप, उनकी छुट्टियां पड़नी है और हमारी आफत आ जानी है, सुबह सुबह का काम रहता है, कर करा के लंच देकर कम से कम 2 घड़ियां धूप में बैठ तो जाते हैं, अब अगर घर पे रहेंगे ना तो पूरा दिन चैचैचैचै करके सर दर्द कर देंगे, स्कूल जाएंगे कम से कम 4-5 घंटे की शांति तो मिलेगी। क्या तो सही रही हूँ, बस कल और धूप निकल जाए अच्छी खासी, रजाई गद्दे भी सूखने डाल दूंगी, मैक्सी आ जाती है। हाँ रजाई गद्दे तो मुझे भी डालने हैं, थोड़ी धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। बहुत ठंड है यार आज प्रीत, इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है, कोहरे की वजह से ना 2 कदम आगे का दिख रहा ना 2 कदम पीछे का दिख रहा। हाँ इसीलिए तो मैं ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकल रही हूँ। हाँ तुझे ठंड ना लगे इसलिए तो मैं गई थी बाहर धनिया लेने, मम्मी आलू के पराठे बना रही है, अब बिना हरे धनिया के टेस्ट थोड़ी ना आएगा। आलू के पराठे धनिया के साथ, हाँ यार ये तो है अच्छे लगते हैं बहुत। अच्छा चल अब उस साइड हो जा। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही वहाँ, अब जाके तो जगह गर्म हुई है, मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगी यहाँ से। वाह मैं ठंड में धनिया लेने बाहर जा सकती हूँ तेरे लिए, और तू घर में बैठकर अपनी जगह भी एक्सचेंज नहीं कर सकती? मम्मी ने तो बोला था कि प्रीत को धनिया लेने भेज दे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मम्मी मैं ले आती हूँ, उसे रहने दो ब्लैंकेट में बैठे, और तू? चल ठीक है हो रही हूँ। कितनी ठंडी हो रही है ये जगह। जन्नत तेरा एहसान ना मैं कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू सो मच। ओए पैर हटा, कितने ठंडे हो रहे हैं एकदम बर्फ जैसे।
बस 2 मिनट अपने पैरों के नीचे दबाने देना, गर्म हो जाएंगे, बहुत ठंडे हो रहे हैं, प्लीज बस 2 मिनट। आज ना पूरे दिन आराम से ब्लैंकेट पे बैठकर सीरीज देखेंगे, आज तेरी पसंद की देखेंगे, पता कौन सी लगाएं? वेडनेसडे देखते हैं, ट्रेंड में भी चल रही है और मैंने सुना अच्छी भी है। हाँ यही वाली है क्या? हाँ यही है, वॉल्यूम बढ़ा। तेरी पिछले आधे घंटे में ना 10 बार जा चुकी है तू वॉशरूम। अब सूसू भी ना जाऊं क्या? एक तो पॉट पे बैठने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, फिर जब प्रेशर की लिमिट कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो 1-2-3 करके बैठना ही पड़ता है। तो ब्लैंकेट में हवा भर के क्यों जा रही है तू बार बार? तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से गर्म होता है, तू वहीं पे बार बार हवा भर के जा रही है। और तू ना ये पानी कम पिया कर। पानी ना भी पीऊं तब भी आती है सूसू यार ठंड में। ये क्या कर दिया तूने? यार वो ना लिप्स फट रहा था तो सीरीज देखते देखते कब निकाल दिया ना पता ही नहीं चला। तो ये फट क्यों रहे हैं? वो विंटर्स चल रहे हैं ना, सबसे पहले मेरे लिप्स ही फटते हैं। तो मॉइस्चराइज करके रखा कर, लिप बाम लगा ले। सुन लिप बाम लिया और आते हुए ना फ्रिज में से पेस्ट्रीज भी ले आई हो। चालाक ब्रो, वेरी चालाक, बहुत चालाक, ताकि तुझे फ्रिज खोलना ना पड़े, है ना? मुझे तो लगेगी ही नहीं फ्रिज की ठंडी ठंडी गैस। खुद जाके लेकर आ, लो खाओ गरम गरम पराठे। सच में मम्मी से अच्छे पराठे ना कोई भी नहीं बना सकता, एकदम यम्मी क्रंची क्रंची। मासी मैंने 2 पराठे और लूंगी और केचप भी ले आना, खत्म हो गई है। केचप छोड़, मैंने गोभी गाजर का अचार बनाया है, टेस्ट करके बता कैसा बना है। हाँ मासी आपके हाथों में तो जादू है, इसी बात पे ना एक पराठा और। मम्मी कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं होंगे, मतलब खाना भी डिस्पोजल में दे रही है ताकि उन्हें ठंडे पानी से बर्तन ना साफ करने पड़े। मम्मी एक पराठा और लूंगी मैं। हाँ दोनों एक दूसरे के कंपटीशन पर हो, मेरी हालत खराब कर दोगे, माँ को तो ठंड लगती ही नहीं। लाती हूँ अभी, खाओ जितना खाना है। देख रही हो भाभी पूरी मार्केट खाली पड़ी थी, ठंड इतनी हो रही है लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। होने तो क्या, पूरा नवंबर निकल गया, पूरा दिसंबर निकल गया, अब जाके पड़ रही है कठी ठंड। चाय बनवा दूं भाभी? अरे नहीं नहीं जलेबी लाए ना, वही खाएंगे। बेटा 2 प्लेट पकड़ा दियो। लो भाभी खाओ, ठंडी होके अच्छी नहीं लगती फिर। चलो हमारी तो हो गई शॉपिंग वॉपिंग जो भी होनी थी, बाकी यकीन नहीं मानोगी तुम, ये 2-2 बैग भर के कपड़े भेजे हैं मैंने गाँव। हाँ मैंने भी निकाले थे पुराने बैग भर भर के कपड़े। ना भाभी पुराने नहीं थे, नए पड़े थे, 3-4 साल पहले ही तो खरीदे थे, छोटे हो गए थे इन बच्चों के, बाकी कुछ कपड़े ऐसे थे जिन्हें देख के मुंह नाक चढ़ाते थे, पहनते ही नहीं थे, मैंने सोचा अब रख के क्या फायदा, अब दे ही दूं किसी को। हाँ बच्चों का तो ऐसे ही है, जो पसंद आया पहन लिया, जो नहीं पसंद आया वो पड़ा रहता है ऐसे ही सालों भर। सच बताऊं भाभी देने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, ऐसे नए नए स्वेटर पड़े थे पर कोई फायदा नहीं था ना, छोटे हो गए थे सारे इसलिए देने पड़े, मैंने कहा चलो दे देते हैं। हाँ घर में रखे रखे भी क्या ही फायदा, किसी का तन ढक जाएगा ठंड में। इस बार तो ऊन लेकर आई हूँ, ढीले ढीले करके स्वेटर बनाऊंगी ताकि 4-5 साल तक आराम से पहने बच्चे। देखा नहीं आपने कितने सुंदर सुंदर रंग लेकर आई थी ऊन के? हाँ भाभी देखे ना,
रंग तो सारे ही बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, मानना पड़ेगा आपको। रंगों के मामले में पसंद बहुत अच्छी है आपकी। फीका गुलाबी, आसमानी, पिस्ता, सारे रंग बहुत बढ़िया है भाभी, बहुत बढ़िया है। भाभी जब स्वेटर बनके तैयार होगा ना, तब देखना गली की औरतों को कैसे पकड़ पकड़ के देखेंगी स्वेटर की बुनाई कौन सी डाली है। धीरे धीरे मैं भी 10-15 दिन में एक स्वेटर तैयार हो ही जाएगा। बाकी मोड़े और गला आप बना लेना, आगे पीछे का पर्दा मैं देख लूंगी, मैं तैयार कर दूंगी। हाँ, और जब मैं बनाऊंगी तो आप मदद कर दिया करना। हाय भाभी, देखना ये कलर तो मेरी दीप पे बहुत सुंदर लगेगा। ए सुन, इधर लगा के देख ले, सुंदर लग रहा है ना। हाँ, रंग इतना साफ है दीप का, जचेगा तो सही। मम्मी किसके लिए बनाओगे स्वेटर? मुझे नहीं पहनना बना हुआ स्वेटर, मैं रेडीमेड ले आऊंगी। बेटा रेडीमेड भी क्या लगेगा इसके सामने, ऐसी बुनाई डाल के दूंगी, देखियो तो। नहीं मम्मी, मुझे बुना हुआ स्वेटर नहीं पहनना। लो सुन रही हो भाभी, हम तो इनके बारे में सोच सोच के पागल हो गए, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और इन्हें कदर ही नहीं है। पहनो, रेडीमेड ही पहनो तुम। जब माँ नहीं रहेगी ना, तब याद करोगे माँ का स्वेटर। अभी तो कदर ही नहीं है ना माँ के हाथ के बुने स्वेटर की। मम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है मत पहनियो, अब बनाऊंगी भी नहीं तेरे लिए। भाभी अपने लिए बनाऊंगी इसकी, कोई अच्छी बुनाई बताना तुम मुझे। नहीं पहनेंगे, जलेबी खाओ आप। चले, तू इतनी लेट क्यों आई है? तुझे पता भी है मैं कितनी देर से तेरा यहाँ वेट कर रही हूँ? हाँ तो नहा कर आई हूँ, तेरी तरह थोड़ी बिना नहाए स्कूल आ गई। चुप रह तू, मैंने नहा के आई हूँ। तू ना खुद ही नहीं नहा के आई होगी, इसीलिए फालतू बोल रही है। मैं रोज नहाती हूँ, चाहे कितनी ठंड और कोहरा क्यों ना पड़ जाए। रहने दे झूठी कहीं की, ठंड में ना कोई रोज रोज नहीं नहाता। और वैसे एक बात बताऊँ, मैं ना कल नहा के नहीं आई थी, तुझे पता चला कि मैं नहा के आई थी या नहीं? तो मैं ये कैसे मान लूँ कि तू नहा के आई है या नहीं? मेरी मम्मी से पूछ रही हो, मैं डेली नहाती हूँ। तू मेरी मम्मी से भी पूछेगी ना तो वो भी यही बोलेगी कि डेली नहाती है। हम उन्हें क्या पता चल रहा है कि वॉशरूम में मैं मुंह पर पानी मार कर आ रही हूँ या ना कर। चुप रह तू, तू ऐसे करती होगी तभी बोल रही है। एक तो सुबह उठने का मन नहीं करता, जबरदस्ती उठाती है मम्मी स्कूल जाने के लिए। इतनी तो ठंड हो गई है, पता नहीं है स्कूल वाले विंटर वेकेशन कब डालेंगे। हाँ यार, हमारे आसपास के ना सारे स्कूलों की छुट्टी पड़ चुकी है, एक हमारी नहीं पड़ रही। न्यूज तक में दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, सारे स्कूलों की छुट्टी पड़ जानी चाहिए। और जब करेंगे ना तो इतना लेट करेंगे, सिर्फ 10 दिन की छुट्टियां करेंगे, और उसमें भी ना भर भर के हॉलीडे होमवर्क पकड़ा देंगे कि लो ब्लैंकेट में बैठ के आराम से होमवर्क करो। सारे वेकेशन ऐसे ही होमवर्क करते करते निकल जाएंगे। बहुत चंट आई है हमारे स्कूल वाले। और तूने कैप क्यों नहीं पहनी? देख रही है कितनी ठंडी हवा चल रही है। कैप लगा के चंपू थोड़ी ना बनना है मुझे, सारे बाल खराब हो जाते हैं, और असेंबली होते होते ना खुजली स्टार्ट हो जाती है सर में। मेरी मम्मी तो जबरदस्ती पहना देती है मुझे। घर से पहन कर आती हूँ, बाहर आके निकाल देती हूँ, मम्मी को पता ही नहीं चलता। ओए स्कूल की छुट्टी पड़ गई 15 दिन की। जो भी मैं कहूँ, इतनी देर से वेट कर रही, बस आ के नहीं रही। अब तो मैं ब्लैंकेट में घुस के पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखूंगी। एक मिनट, कहीं ये हमारा फुद्दू तो नहीं बना रहा? लेकिन यार हमसे झूठ बोलकर इसको मिलेगा क्या? सही में पड़ गई होंगी छुट्टियाँ। देख ना वो भी तो अपने घर ही जा रहा है, पड़ी गई होंगी स्कूल की छुट्टियाँ। चल हम भी चलते हैं। तुझे याद है रोहन ने एक बार हमें फुद्दू बनाया था, झूठ बोला था कि स्कूल की ना छुट्टियाँ पड़ गई है, और हम घर वापस चले गए थे, और फिर स्कूल से फोन आ गया घर पे, कितना जलील किया था सर ने हमें। चल एक काम करते हैं, वेट कर ही लेते हैं। देख ये ना मेरे बचपन का नाम है शर्लीन। चल झूठी, मैंने तो कभी नहीं सुना। बुद्धू बचपन का था ना, अब तो सब मुझे दीप बुलाते हैं। वैसे मुझे ना ये नाम बहुत अच्छा लगता था, शर्लीन। ये देख कर्सिव राइटिंग में मेरा नाम, कितना अच्छा लग रहा है ना। तू अपने साइन करके दिखाइयो। साइन? मेरे साइन ना बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं कर सकता आसानी से। मैं भी करती हूँ। ये देख मस्त है ना। यार स्कूल से तो फ्रीडम मिल चुकी है 15 दिन की, लेकिन ये पता नहीं ट्यूशन से कब मिलेगा, डेली जाना पड़ता है। हाँ यार, और वो भी 3-3। ये देख स्मोक करूं। हाँ
रुक रुक रुक, मैं भी करती हूँ। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सही है ना, जो वो सिगरेट वाली स्मोक ना करना चाहता हो, ये विंटर वाली स्मोक कर ले, वो भी फ्री में। तू तो बोल रही थी तू चाय नहीं पीती। हाँ तो सर्दियों में चाय के लिए कौन मना करता है, और कुल्हड़ वाली चाय तो खुद ही अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, और उसके साथ बिस्किट मिल जाए, डुबू डुबू के खाने में मजा ही आ जाता है। हाथ भी कितने ठंडे हो रहे थे, कुल्हड़ पकड़ के गर्म हो गए। वैसे दीप, ये लोग एक ही कुल्हड़ बार बार यूज करते होंगे। नहीं नहीं, एक कुल्हड़ को एक ही बार यूज कर देते हैं, फिर फेंक देते हैं। वैसे पता नहीं, अगर ये लोग दोबारा भी यूज करते हो एक कुल्हड़ को, क्या पता हमारे कुल्हड़ भी यूज हो। अच्छा तो छोड़ ना, तो अदरक वाली चाय पे फोकस कर। मॉर्निंग हेयर वॉश किया था, 5-6 घंटे हो गए सुबह से, बाल सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ब्लो ड्रायर ना ही करूँ, सारे बाल खराब हो रखे हैं हीट से। ऊपर से धूप निकलने का नाम नहीं ले रही कि धूप में बैठकर बाल सुखा लो। तू जा ना, फटाफट रेडी हो जा, 4-5 घंटे में लग जाएंगे शॉपिंग में, और वैसे भी ना अंधेरा जल्दी हो जाता है आजकल। तेरा सही है, बिना नहाए परफ्यूम मार के ऑल सेट। हाँ तो कौन नहाएगा ठंड में रोज रोज। वैसे भी हमने ना शॉपिंग पे जाना है, मैंने कोई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जाना जो उसे हग करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर परफ्यूम लगा कर उसे हग भी कर लो ना, तो उसे भी नहीं पता चलता। अबे 2-2 बैग्स क्यों पैक कर लिए तूने? शॉपिंग करने जा रहे हैं हम, सामान बेचने नहीं जा रहे जो 2-2 बैग्स पैक करके बैठ गई। अरे यार इनमें ना सिर्फ जरूरी सामान है, देख इसमें ना हमारी जैकेट और स्कार्फ्स हैं, आते आते ठंड हो जाएगी ना तो पहन लेंगे। और ये दूसरा वाला क्यों? इसमें हमारा टोपा है, ग्लव्स है, और गर्म पानी की बॉटल है। अब बाहर कुछ खाएंगे ना तो ठंडे पानी से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉइस्चराइजर, वो बार बार ड्राई होते रहते हैं ना हमारे हाथ, तो लगा लेंगे इसे भी। एक तो इतनी मुश्किल से ठंड में शॉपिंग जाने का प्लान बनाया, तू ही उठा दोनों बैग, आप जल्दी। अरे यार ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तू ना रुक, मैं किक मारती हूँ। यार ये विंटर्स आते नहीं है, स्कूटी की सांसें पहले अटक जाती है। हो गई। यार दीप तू ना स्कूटी आराम से चलाइयो, तू बहुत तेज चलाती है, मेरी कुल्फी जम जाती है यार। हाँ बैठ ना, धीरे चलाऊंगी। देख हाँ दीप, पक्का धीरे चलाइयो, धीरे दीप, धीरे, बहुत डर लग रही है यार, धीरे चला। और कितना धीरे चलाऊं? ठीक तो है ना तू? चुप रह, एकदम चुप रह, ये जो आज मेरी हालत हुई है ना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कितनी तेज स्कूटी चलाती है यार तू। यार तेज, नॉर्मल स्पीड में तो थी वो। मेरी भी तो उंगलियां सूज गई है ना देख ठंड से। सारा ठंड में ना शॉपिंग पे जाने का प्लान ही गलत था। मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। मजा आ गया, कितना रिलैक्स मिल रहा है आपकी चंपी से, नींद भी आने लगी मुझे तो। हाँ देख तू कितने आराम से बैठ के मालिश करवाती है, और कितने अच्छे हो रहे हैं तेरे बाल, लंबे काले घने। ये तो सुनती ही नहीं मेरी, आग लगा रखी है सारे बालों में, घोड़े की पूंछ की तरह कर रखे हैं। पहले तेल नहीं लगवाती, फिर कहती है मम्मी बाल टूट रहे, 2 मुए हो रहे, रूखे सूखे हो रहे। कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार तेल की मालिश तो होनी चाहिए, क्यों प्रीत? फिर नमी रहती है बालों में, डैंड्रफ भी नहीं होता। आ जा बैठ जा, तेरी भी कर दूं। आ नहीं मम्मी अभी नहीं, इतनी ठंड में कौन ही हेयर वॉश करेगा। देख इस आलसी को, सुन ले इसकी बात, चल फिर मटर निकाल फ्रीज से और छील दो दोनों बैठ के, मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा।
फ्रिज से मटर। मम्मी बहुत ठंडी हो रही होगी, हाथ जम जाते हैं ठंडी मटर छील कर। अभी फ्रिज से निकाल कर रख देंगे, शाम को बना लेना मटर। अभी कुछ और बना लो। काम ही क्या करना है तुम दोनों को, छुट्टियां पड़ रखी हैं, धूप में बैठ के छील दो मटर। किस धूप की बात कर रही हो आप मम्मी, जो कपड़े आपने परसों धुले थे वो अभी तक नहीं सूखे, उस धूप की। ठीक है फिर साग ही बना लेती हूँ, वो भी तो खराब ही हो जाएगा। नहीं नहीं मासी, आप आलू मटर ही बनाओ, हम दोनों छील लेंगे मटर। ठीक है छील देंगे मम्मी। अब नहीं जाना तुझे खेलने, सुबह से परेशान कर रखा था कि परी के साथ खेलने जाना है, परी के साथ खेलने जाना है। नहीं मम्मी, परी का ना डॉक्टर सेट टूट गया, वो ना बहुत रो रही थी, अपने पापा के साथ नया लेने गई है। आज बनाऊंगी बढ़िया करके साग और साथ में मक्के की रोटी, है ना मीत? नहीं मम्मी साग मत बनाओ, मुझे टेस्टी नहीं लगता। क्या खाएगी फिर? मैगी खाऊंगा मम्मी। अरे ले, सुबह तो खाई थी मैगी, अब फिर से मैगी चाहिए? इतना ज्यादा मैगी थोड़ी खाते हैं, लुल्लू हो जाते हैं पेट में बड़े बड़े मैगी के जैसे। लुल्लू फिर साग खाने से नहीं होते? ना, साग खाने से तो दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और बहुत सुंदर हो जाते हैं, मेरी मीत की तरह गोलू मोलू। फिर मम्मी मुझे टेस्टी क्यों नहीं लगता, आपको लगता है? हाँ मुझे तो टेस्टी लगता है, क्यों नहीं लगेगा टेस्टी? ढेर सारा मक्खन डाल के दूंगी अपनी मीत को साग में, फिर देखना कैसे खप खप करके सारा साग खा जाएगी मीत। ठीक है मम्मी, अब से ना मैं ज्यादा मैगी नहीं खाऊंगी, थोड़ी थोड़ी खाऊंगी, फिर तो नहीं होगा ना लूलू पेट में? नहीं होगा बेटा। मम्मी ये निकाल दो ना, मुझे खुजली लग रही है, गर्मी लग रही है बहुत। नहीं बेटा स्वेटर नहीं उतारते, ठंड लग जाएगी फिर। देखा नहीं था पीछे तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम हो गई थी, छींची करती घूम रही थी फिर सारे में। इस बार का अचार सबसे स्वाद बना है, मसाले वसाले सब एकदम सही डले हैं, बस थोड़ी सी धूप लग जाए मेरा अचार बनके तैयार हो जाएगा। जीते ले बेटा जरा ये अचार के डब्बे रखा छत पे, थोड़ी धूप लग जाएगी, ले। ओ मम्मी जी आज जित्ता ना बुलाओ, हार के आया थोड़ा जित्ता, आज जित के नहीं आया। ऐसा क्या हो गया आज? मैच सी आज, टीम विचो कट दिता मैनू। चलो टीम विच कटता ओ भी ठीक है, ओ दो बाद सारे ने मिलके कुटिया बहुत मैनू। अच्छा क्यों? ओ मम्मी जी कैच नहीं फड़ी गई ना मेथो, ठंडिया नहीं हो रही सी, एने मैं पॉकेट चो ग्लव्स कटे, कैच छड़ी गई मेथो, ओ दो फिर हार गई टीम। हाँ तुझे ही लग रही है दुनिया भर की ठंड, जा बकवास ना कर ज्यादा, अचार के डब्बे रख के आले। ओ मम्मी जी तुसी भी ठंड विच काम कराई जांदे हो।